मुल्तान नगर में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय पूर्व क्रिकेटर सुनील कुमार ने सरेआम गुंडागर्दी की। स्कूल बस से बच्चे उतर रहे थे तभी पीके अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचे। सड़क से स्कूल की बस हटाने में थोड़ी देर होने पर पीके ने आप दिखाया अब आपा खोकर गाली गलौज करने पर एक बच्चे के पिता को साथ मारपीट की। बच्चे को भी धक्का दे दिया। पीने के बाद पिता पुत्र से मारपीट कर दी। वहीं इसकी जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ लगी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्रवीण कुमार को पुलिस ने नशे में बताया कि जिसकी तलाश में पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी वहीं हत्थे नहीं चढ़ पाया। अपने बच्चे को लेने के लिए खड़ा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो प्रवीण कुमार है वो अपनी गाड़ी से आए। आकर के उन्होंने जो है पहले बस वाले को गाली दी। बस वाले को गाली दे करके फिर वो मुझे मेरे साथ में गाली गलौज करी। मैं बच्चे को लेकर के फिर भी चल दिया। मैंने कहा कि भाई आप जो है प्रवीण भाई जानते नहीं क्या मुझे, हम साथ पढ़े हैं साथ खेले हैं सारी चीज़ें साथ हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मानने को तैयार नहीं हुए। मेरे साथ में बदतमीजी करते रहे। नतीजा ये हुआ उन्होंने मेरे बच्चे को उठा करके बाइक में से धक्का दे करके नीचे गिरा दिया। उसकी कमर में गंभीर चोट आई है, मेरे हाथ की हड्डी टूट गई है। जब मैं थाने पहुँचता हूँ थाने जा करके मैंने अपनी तहरीर दी तो पुलिस वाले बोलते हैं पहले ऊपर से फ़ोन कराइए किसी से तब हम कार्रवाई करेंगे। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी का आम नागरिक अगर कोई है अगर उसके पीछे कोई शासन प्रशासन नहीं है तो क्या पुलिस उसके लिए न्याय। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।